नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था जो टिक टिक सोर्स कोड पे था, और इसको हमने ये वीडियो में और काफी अच्छा रिस्पांस आया, 4.7 के व्यूज हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था टिक टिक सोर्स कोड के ऊपर। इसके बारे में कई लोगों ने जो जो अब तक हमसे प्रश्न किए, 5K लगभग इसके व्यूज होने वाले हैं, और उन सब का एक क्रैक्स हम आपको देने वाले हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, अर्निंग के भी बारे में सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे, और किन लोगों को ये चुनाव करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐप्स जो होते हैं वो स्ट्रीम के ऐप्स होते हैं जिसमें स्ट्रीमिंग हमेशा होती रहती है और काफी ज्यादा सर्वर रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। तो आपके बजट के बारे में हम भरपूर में चर्चा करेंगे, प्लस इनकम के बारे में भी, और साथ में होस्टिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कैसे आप इसका चुनाव करेंगे या फिर इस डिसीजन को आप छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ऐप्स को मत यूज करिए या मत बनाइए अगर आपके पास ऐसा बजट नहीं है। पहली चीज तो ये सोर्स कोड ऑलरेडी हमने बताया था कि ये $43 का सोर्स कोड है, बिलो द डिस्क्रिप्शन। दूसरी चीज हमने ये बताई थी कि इसमें कौन सी होस्टिंग चलेगी, तो हमने होस्टिंग के बारे में बताया था कि इसमें बीपीएस चलेगा। अब वो बीपीएस होस्टिंग आप कहीं से भी बाई कर सकते हो, बट यहाँ पे हमने रिकमेंड किया था कि आप डिजिटल ओशियन आपके लिए बेटर रहेगा, और हमने यहाँ पे साइबर पैनल भी इंस्टॉल करना बताया था। लेकिन क्या हुआ कि जब ये अगस्त में अपडेट हुआ, ये सोर्स कोड अपडेट हुआ, तो इसमें क्या चेंजेस हुए, जब अगस्त में ये लगभग 18 अगस्त को सोर्स कोड अपडेट हुआ तो स्पीड इम्प्रूवमेंट किया और इन्होंने ट्रिम भी चेक किया। तो इसमें साथ में जो इन्होंने SQL डेटाबेस बनाया, पहले वो 13-14 KB का होता था, उसके बाद इन्होंने 4 MB का कर दिया। अब 4 MB में प्रॉब्लम क्या आई कि उसमें लगभग 3000 से ज़्यादा यूज़र प्लस बहुत सारे वीडियोस की लिंक। अब वीडियो तो जो है AWS Amazon वीडियो पे थे, सॉरी Amazon के सर्वर पे थे, तो लेकिन वो वहाँ से हटा दिए गए, तो वो हमेशा एरर से ही दिखते हैं। तो जब आप SQL डेटाबेस से कनेक्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो यूज़र हैं उसको आप डिलीट कर सकते हैं दो माध्यम से, एक तो डायरेक्ट SQL से और दूसरा आपको जो डैशबोर्ड मिला है उससे। लेकिन यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम और आती है, मैनेज करना। अब मैनेज कैसे करने में, तो यहाँ पे अब हमें लगता है कि जब से इन्होंने अपडेट किया है, आप नया ऐप्स रेंडर करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होती है कि उसे और CPU की जरूरत पड़ती है, क्योंकि CPU 100% एकदम कंप्लीट फुलफिल हो जाता है। जो मैंने बताया था कि आप $15 में 2 CPU का शेयर्ड और 2 GB रैम के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी शेयर्ड में काम कर जाता है, किसी किसी में नहीं करता। ये प्रॉब्लम मेरे भी साथ और साथ में हमारे जो यूजर्स हैं उनके भी साथ आया, और उन्होंने जो कमेंट किया तो वो सारी बातें मैं बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, अब CPU के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हम लोगों को जो यहाँ पे मिलता है ये शेयर्ड CPU है। हमने क्या बताया था कि यहाँ पे 2 CPU का अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारा चल जाता और चल भी रहा है, लेकिन जो ये अगस्त वाला अपडेट आया तो ये कभी कभी, क्योंकि ये शेयर्ड CPU होने की वजह से, अगर कोई ऐसा IP एड्रेस जिसमें ऑलरेडी CPU काफी बिजी चल रहा है तो वहां पे प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप जर्नल पर्पज में CPU में जाते हैं और यहाँ पे अगर आप 2 Core CPU देखते हैं तो यहाँ पे $60 से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर CPU ऑप्टिमाइजेशन में जाते हैं तो $80 का 4 CPU और क्या कहते हैं $40 का 2 CPU। ये जो डॉक्यूमेंटेशन में अपने रिकमेंड करते हैं सर्वर जो रिकमेंड करते हैं वो सर्वर रिकमेंड करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा महंगा। अब तो आप देखिए, इनकी जो सर्वर रिक्वायरमेंट है वो 4 Core प्रोसेसर के साथ 8 GB और 16 GB रैम है। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे आपको अगर आप इनके पे चल रहे हो तो $80 आपको खर्च करने पड़ेंगे। $80 कोई छोटी रकम नहीं होती है अगर आप इस ऐसे ऐप्स की शुरुआत करने चल रहे हैं। तो $80 की यहाँ पे आपको CPU ऑप्टिमाइजेशन पे लगना लेना पड़ेगा, लेकिन हमने बताया था कि ये चल जाता है यहाँ पे भी, लेकिन अच्छे से आप काम करेंगे तो। लेकिन कभी कभी जब नहीं चलता है तो हम इसको इंक्रीज करते हैं और बाद में पता चलता है कि इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो
एक तो सीपीयू में होता, तो सीपीयू कैसे चेक करेंगे? जब वीडियो आप अपलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो 100% अपलोड नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जैसे ये सीपीयू दिख रहा है कि हमारा सीपीयू कैसे यूज हो रहा है, देखिए 1% था, 18% है, फिर 30%, 20%, ऐसे देखेंगे कि वो 100% जाके फुल हो रहा है अगर, तो वहां पे ये एक एरर देखने दिखेगा और तुरंत ये आपका जो एप्स है उसमें वीडियो अपलोड कैंसिल कर देगा जब आप नया एप्स बनाते हो। अगर वो स्टार्ट हो गया एक बार तब कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन अगर स्टार्ट नहीं हुआ मतलब अगर आपका सीपीयू उस समय वीक पड़ गया तो प्रॉब्लम होती है। तो अगर इसके बारे में बात करें तो भाई जो ये रिकमेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से तो ये $80 का, ये कहेंगे कि $80 वाला लीजिए, यानी 8 GB कर रहे हैं मिनिमम लीजिए, साथ में 4 CPU लीजिए। अब यहाँ पे SSD भी 50 GB मिल रही है तो आपको SSD भी अलग से लेनी पड़ेगी 50 GB के बाद। ये हमने बताया, साथ में हमने ये बताया कि जब आप वीडियो अपलोड करें आपका एप्स बन जाए तो अगर आपका वीडियो कम्प्लीटली अपलोड नहीं हो रहा है, बार बार आप अपलोड करते हो लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे सीपीयू रिसोर्स को जरूर चेक करें अगर, तो आप थोड़ा सा सजग हो जाइए। और उसके बाद में अगर हम दूसरे पावरफुल होस्टिंग की बात करें तो अब हम आते हैं इस पे, तो यहाँ पे भी 4,000 रुपये लगभग आपको देने पड़ेंगे और 4,000 पे आपको 18% का GST भी देना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये एक महंगा ऐप्स है। अगर आपके पास बजट नहीं है, आप $10-20 में काम चलाना चाह रहे हैं, तो प्लीज इस ऐप्स से दूर रहिए। अब ये मैं क्यों इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें इतनी शायद इनकम ना हो जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि कई लोग सोचते हैं जब तक हम ऐप्स चलाएंगे तब तक अर्निंग शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अर्निंग में समय लगता है और इतनी अर्निंग नहीं होगी जितना आप सोचते हो शुरू में। और अगर आप गलत तरीके से ट्रैफिक लाते हैं, शेयर करते हैं और या क्लिक्स होते हैं तो आप कर दिए जाएंगे एडमो की तरफ से बैन और साथ में प्ले स्टोर की तरफ से आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो आपकी सारी मेहनत हो जाएगी बेकार। तो ये सारी चीजों पे आप, कई लोग ये पूछते हैं कि सर इनकम कितनी होगी, इनकम भाई देखिए ये सबके लिए अलग अलग। आपका एप्स पॉपुलर हो गया, 3,000-4,000 अगर आपके पास इंस्टॉल्ड हो गए और प्लस 40 या 50 एक्टिव यूजर रहते हैं ऑनलाइन, तो आपका कॉस्ट निकलने लगेगा। लेकिन अगर इससे कम है तो आपकी कॉस्ट भी नहीं निकलेगी, तो जो आपका जो भी बजट है $20 का होस्टिंग है, $30, $40, $40 या $80, वो आपका रेगुलर खर्चा बना रहेगा। और फिर आप जान ही रहे हो कि एक कॉस्टली जब आता है तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप चलाओगे, उसके बाद भी अर्निंग नहीं हो रही, नहीं पॉपुलर हो रहा है, तो आप परेशान होकर बंद कर दोगे। इसीलिए आपको ऐसे ऐप्स को चुनने में बड़ी सावधानी बरतनी होगी। तो इसलिए इसमें जो ये सोर्स कोड और ये ऐप्स नहीं महंगा है, इसकी केवल और केवल होस्टिंग महंगी है। और इसकी चर्चा हमसे आए दिन कई लोग करते हैं कि सर इसका ऐप्स तो ठीक है लेकिन इसकी होस्टिंग बहुत कॉस्टली है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, होस्टिंग बहुत कॉस्टली है, शायद इतनी अर्निंग ना हो जितना आप होस्टिंग में पे कर दें। लेकिन अगर आपका एक बार ऐप्स चल गया और जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास एक्टिव यूजर्स हैं अच्छे खासे, तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। बट शुरुआत के लिए अगर आप सोच रहे हो, ऐसा कोई प्लान बना रहे हो 1-2 महीने का, और आपके पास इतना बजट नहीं है 4-6 महीने रुकने का होस्टिंग पे, तो ऐसे ऐप्स से दूर रहिए, आप किसी और ऐप्स का चुनाव करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसमें शेयर्ड होस्टिंग बिल्कुल नहीं चलेगा। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि शेयर्ड होस्टिंग से काम चला लेंगे, वो केवल ऐप ही रेंडर कर सकते हैं, बाकी उसमें वीडियो प्ले नहीं होने वाला है। और अगर प्ले भी हो गया तो बस वही देखने के लिए हो जाएगा, 2-4 मिनट के लिए या 2-4 यूजर के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।